हेलीकॉप्टर पर है, इसकी भी हवा काफी तेज है, कम होते हैं ये। उल्टा चल रहा है, आपको खुद हवा चल रही पर क्या रेट है? ये 40 रुपए का है, 25 रुपए का है, कोई 30 रुपए का है। अच्छा, ये सारे यही मोटर लगी हुई है छोटी, किसी ने अगर इस तरह भी पर लगाना हो ये पंखा बन जाएगा प्रॉपर। ये देखिए आवाज की, देखिए आपका टेबल स्टैंड है। अच्छा, टेबल स्टैंड के टेबल को ऐसे रख सकते हैं? जी ऐसे रख सकते हैं, ऐसे चलता है। बैटरी को कम इस्तेमाल करती है, यानी कि बैटरी का बैकअप ज़्यादा देती है। केबल भी हैं, बैटरीज पे भी चलते हैं, सोलर पैनल्स पे भी चलते हैं। ये है कोई 1800 RPM की सप्लाई, जो हमें 220 से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करती है। ये वो सप्लाई है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हार रोड लाहौर। अभी मैं आपको मुख्तलिफ 12 वोल्ट्स पे चलने वाले फ़ैन दिखाता हूँ। मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं एहसन भाई, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से? सेहत पर ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं कि सारे फैन हम खुद ही तैयार करें यहाँ पे? जी, पार्ट्स जो मोटर्स होती हैं वो चाइना से आती हैं, ठीक है, और जो पार्ट्स हैं वो इधर से हम खुद असेंबल करते हैं, बनाते हैं खुद यहाँ, खुद बनाते हैं। हाँ जी, ठीक है। उनकी डाइयाँ और उनके पार, उनके जाल, ये वो जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इतना रश शॉप पे, आप मुझे अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हार रोड इतना क्यों मशहूर है, क्यों इतना कस्टमर यहीं पे आता है? हार रोड पे असल में यहाँ पे सारे इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं और मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, तो वो जो कस्टमर की डिमांड है, जो हमारे माहौल के मुताबिक जितनी बिजली महंगी है और जितनी इतनी महंगाई में ये पंखे और ये सूटेबल भी करते हैं, और जितनी लोड शेडिंग है उसको कवर करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए पंखे सूटेबल भी हैं, बैटरीज पे भी चलते हैं, सोलर पैनल्स पे भी चलते हैं, और इनकी प्राइस भी बहुत कम है। आम गरीब या थोड़े से हाँ उनके लिए ये बड़े अच्छे रहते हैं। ठीक है, आप किस किस तरह के पंखे बना रहे हैं, किस किस टाइप के आपके पास होते हैं, क्या क्या होता है आपके? हमारे पास ये आप देख रहे होंगे सारे, आप कैमरे में देख लें जी, सारे पंखे हैं। इसमें बड़े जाल वाले भी हैं, इसमें पर भी हैं, इसमें छोटे से लेके बड़े मुख्तलिफ हैं, उसमें उनमें मुख्तलिफ ये सारी मोटर्स पड़ी हैं बलिनो की। ठीक है, ये सब चाइना से आती हैं ये सारे, इनको पर। अच्छा, आप मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाएं, आपके पास क्या क्या होता है ज़रा? ये मोटर्स हैं 775। क्या क्वालिटी है सर? ये है कोई 1800 RPM की। अच्छा, ठीक है, RPM है ये, 2 से 1.5 एम्पीयर लेती है, 2.5 एम्पीयर लेती है, ये कम वोल्ट लेती है, ठीक है। रिक्शों में भी ये लग जाती है, बैटरी को कम इस्तेमाल करती है, यानी कि बैटरी का बैकअप ज़्यादा देती है। ठीक है, कितने घंटे अगर लगाएं पंखा इसके ऊपर? ये 4-5 घंटे बैटरी वाली जो 50 एम्पीयर की बैटरी है ना, वो आराम से चल जाती है। सोलर प्लेट पर कितना टाइम निकाल? सोलर प्लेट पर तो फिर दिन में तो ये फ्री चलती है ना। अच्छा, कितने की है ये? ये 450 रुपए की। 450? अच्छा, इसके अलावा जी? इसके अलावा ये मोटर्स हैं बलिनोज, ये दिखाइए जरा, कॉपर में है। कौन सी? ये तो मैंने सुना मोटर पकड़ी नहीं जाती, बहुत फेमस है ये। हाँ, ये बहुत फेमस है। अच्छा, ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छी चलती है। किस किस में ये इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल लोग? ये पहले तो गाड़ियों में इस्तेमाल होती थी, जब से पाकिस्तान की हालात हुए हैं तो ये इसको पंखे लगने शुरू हो गए। अच्छा, इसी तरह बिलालगंज में इसको पंखे लगने शुरू हो गए हैं। इसकी कीमत ही 800-900, इसकी कीमत चली गई है 1300-1400-1500। अच्छा, डिमांड की वजह से या डॉलर महंगा होने की वजह से। अभी आप कितने की सेल कर रहे हैं? ये अब हम सेल कर रहे हैं 1200-1300-1150 मुख्तलिफ रेंज है इसमें। सड़ती नहीं आएगी? सड़ती है, बिल्कुल सड़ती है। अच्छा, ख़राब हो जाती है। कितना टाइम निकाल के ख़राब इस सूरत में होती है कि आपके सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा आ रहे हों तो ये उड़ने के इसके चांस होते हैं, ठीक है। फिर अगर तो इसका कॉइल पूरा उड़ जाए तो ये रिपेयर नहीं होती। ओके, अगर इसके इधर एक टर्मिनल्स लगे हुए हैं उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा तारे आ रही हैं, अगर वो ड्राई सोल्ड हो जाएँ तो वो खोल के इसको रिपेयर करें तो आम जो है हम भी रिपेयर कर देते हैं 400-500 रुपए में उस पर, या खोल के पूरी रिपेयर भी कर सकते हैं, आम जो मैकेनिक है वो भी रिपेयर कर सकते हैं। कितने RPM इसके? किसके? इसके 2800-3000। 2800-3000 जी। कूलर का पंप भी है, ये सप्लाई है, ये भजन या एक सप्लाई है, ये भी चलती हैं। अच्छा, अगर आपने बिजली पे चलानी है तो ये सप्लाई लगा के और ये आप चला लेते हैं, ये भी बाहर से आती हैं। ये सप्लाई क्या काम करती हैं? ये सप्लाई जो हमें 220 से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर ये वो सप्लाई है जी। ये कितने की है? ये 450 रुपये, 450 रुपये की। ठीक है, तो ये भी चला देते हैं। कैप देना? अच्छा जी, वो आगे से हमारे पास पार्ट्स भी सारे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे भी होते पंखे दिखाएं जरा। पंखे ये देखें, ये भी हैं जी, ये मेड बायर के, यानी कि मेन के गुजरात के गुजरांवाले के मेड हैं। अच्छा, ठीक है, इनके लोग इसको सप्लाई लगाते हैं, इसमें 12 वोल्ट की मोटर्स लगी हुई हैं। ओके, ये कितने का पड़ता है? कौन सा? ये 1200-1300-1800 मुख्तलिफ रेंज और मोटर्स के हिसाब से। ये अगले वाला कितना? ये अगले वाला 1700 रुपए का। इसमें मूविंग वाला भी होता है, सादा भी होता है।
इसमें इससे महंगे वाले भी होते हैं, बैटरी वाला भी होता है जिसकी कीमत 9,500 रुपये है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये पंखा ज़रा दिखाएं जी, इसके अंदर ये 800 का है, जैसे ये आप देखिए ये चल रहा है जी, ये तो मैंने खैर डिमर लगाया हुआ है ना कम ज़्यादा करने के लिए, कितनी हवा है इसकी नाजिन ये आप चेक करें, दिखाइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, चलाइए यही मोटर लगी हुई है, ये इसकी हवा चेक कर लें नाजिन कितनी, ये हमने मैंने डिमर भी इसके साथ लगाया हुआ है ना स्लो स्लो तेज़ करने के लिए। ये कितने की है, कौन सा ये पंखा, ये वाला 800 का। अच्छा इसके अलावा ये बारिश के साथ ये होते हैं, पर इसके साथ मुख्तलिफ सारे चल जाते हैं, ये कितने का पर, ये पर 40 रुपए का, 40 रुपए का आपको पर नाजरी आसानी से मिल जाता है। अच्छा इसके अलावा ये मोटर मुझे बताइए ये क्यों इस तरह लगाई हुई है, ये छोटी किसी ने अगर इस तरह भी पर लगाना हो ये तो ये भी लगा लेते हैं, ये काफी सस्ता पड़ता है। अच्छा इसके आगे पर लगा लें कैसे, इस तरह पर लगा लें, अच्छा इस तरह पर लगा लें, ये इसको ये पंखा बन जाएगा प्रॉपर, ये पंखा ये भी लोग अपनी दुकानों में या उस तरह में लगा सकते हैं। अच्छा ये काफी सस्ता होता है, 300-350 का मुख्तलिफ रेट है। अच्छा कीमत मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि कईयों ने इधर से हमसे लेके जाके आगे देनी होती है, जब आपके कैमरे में आ गया तो सबको कीमतें फिर वो बेचारे नहीं पैसे कमा सके। अच्छा ठीक है ना, लेके जाना फिर उसको उनको ये डाल, ये देखिए आवाज की देखो बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह की काफ़ी वैरायटी इसके ऊपर लगा सकते हैं, बड़ी मोटर में भी लग सकता है, बड़ी मोटर में भी लग सकता है, तो उसका स्टैंड भी होता है, इसके भी स्टैंड होते हैं, कूलर के अंदर फिटिंग के अंदर भी होते हैं। अच्छा जी इसके अलावा और क्या क्या आपके पास, और ये स्टैंड है हमारे पास सारे। अच्छा जी ये दिखाइए जरा, ये वॉल स्टैंड है। अच्छा ये इसके अलावा हमारे पास इस तरह भी आप बना लेते हैं, ये क्या चीज़ है जी, ये भी अच्छा 800 रुपए में है, हेलीकॉप्टर पर है इसकी। अच्छा। भी हवा काफी तेज है, कम अंपेयर लेता है जी। अच्छा इसे हेलीकॉप्टर पर कहते हैं, मतलब बहुत तेज हवा है, तो वैसे ही मैंने नाम दिया हुआ है, आवाज ही इसकी आवाज है ना इसकी, इसलिए तो ये सारा चलता है। अच्छा ये भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसको हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसकी मोटर वगैरह भी अच्छी लाइफ होती है, बेहतरीन होगा ये। आपको खुद हवा चल रही, सीधा चल रहा है, चेक करें ना से कैसे मैं उड़ रहा हूँ, इतनी हवा है कमाल। अच्छा जी तो ये कितने का, 800 का, ये 800 का, सारा कुछ इसमें मोटर वगैरह इंक्लूडेड है जी, इंक्लूडेड है सेम इस तरह। अच्छा जी इसके अलावा शहर आप मुख्तलि भी लगा सकते हैं, बैटरी भी कितने का निकल जाता है, ये आप उस बैटरी के ऊपर है उसको कितना वो उसका वो चलता है क्या चलता है। ठीक है अच्छा ये है अलावा ये पर, इसके अलावा ये पर है, ये पर क्या रेट, ये 40 रुपए का है, 25 रुपए का है, कोई 30 रुपए का है। अच्छा सारे कौन सा, ये 40 रुपए का है, 35 रुपए का है, 35 वाले में भी इसमें बहुत है, 25 वाले भी है। अच्छा काफी ज्यादा वरायटी है, और ये स्टैंड वाला है, ये वाले हैं काफी ज्यादा है। अच्छा काफी वैरायटी है, ये मुझे बताइए ये कितने का मुझे पड़ जाता है, कौन सा इसकी, 1000 रुपए का है, इसमें मोटर अच्छी लगती है, गाड़ी वगैरह में कहां, गाड़ी में भी लगते हैं, वैसे भी यूज होते हैं शॉप में, काफी जगह पे लगते हैं, इसके काफी ज्यादा पर है, ये हमारा D4 पर है, ये भी चलता है, काफी डिमांड है इसकी। तो इसके अलावा ये स्टैंड वगैरह भी आप देते हैं, ये आपका टेबल स्टैंड है। अच्छा टेबल स्टैंड के टेबल के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, जी ऐसे रख सकते हैं, ऐसे चलता है। तो ये कितने का मुझे पड़ जाता है, कौन सा, ये 950 का, 950 का, 950 का, हाँ मोटर के हिसाब से, मोटर नहीं लेती है, मोटर नहीं लेती तो ये तकरीबन बन जाता कुछ 450-500। अच्छा मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, हर चीज। अच्छा अगर आना चाह रहा तो एड्रेस वगैरह क्या आपका, नदीम ब्रदर्स मदीना मार्केट हाल रोड लाहौर, हाल रोड लाहौर, नंबर भी एक बार बता दें, 03074100732। ठीक है, और विजिट करके यहाँ से आप खरीद सकते हैं जी, बिल्कुल खरीद। नाजिन दीजिए इजाजत, इनका बहुत कीमती टाइम था, इतना रश था, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, अभी भी इनको जरा जल्दी जाना है कि दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।